Sony Live. We live to entertain. मोगली, मेरे जाने के बाद ठीक से रहना तुम। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम सब जवान भेड़ियों को कानून का पालन करना होगा, भले ही तुम्हें देखने वाला कोई ना हो। आप चले? नहीं पिताजी, मुझे छोड़ के मत जाइए। मुझे जाना ही होगा। पर पिताजी, पिताजी मत जाइए। दोस्तों चलो चले। अलविदा बघीरा। जल्दी ही फिर मिलेंगे। अंबर तो चला गया लेकिन जल्दी वापस आएगा। जब तक मोगली यहाँ है वो नहीं आएगा। तो मोगली को जाना चाहिए। सीधी सी बात है बघीरा, अब झुंड को एक ऐसे अकेला की जरूरत है जो पुराने अकेला की तरह ईमानदार, बुद्धिमान और ताकतवर भी हो। एक ऐसा सरपंच जो पूरे झुंड को ये यकीन दिला सके कि उन्हें हर रोज भरपेट खाना मिलेगा। बात समझ में आई बघीरा? हाँ, तुम ठीक कहते हो बलू। और मुझे लगता है कि अंबर सरपंच के पद के लिए बिल्कुल सही दावेदार था। बिल्कुल सही, पर समस्या ये है कि हम में से किसी को नहीं पता कि वो गया कहाँ है। मान लो उसे किसी तरह ढूंढ भी लाए तो भी कोई फायदा नहीं, सितारा मोगली के साथ नहीं रहेगी। यही वजह है कि सारा झुंड मोगली से नाराज है। वो सोचते हैं कि अंबर मोगली के कारण यहाँ से चला गया है, इसीलिए मोगली दुखी है। क्या? अरे तो वो यहाँ है। मनुष्य किसी कानून को नहीं मानते, वो खाने के लिए नहीं शौक के लिए शिकार करते हैं। मनुष्यों को भेड़ियों के बीच रहने का कोई हक नहीं। मैं इंसान हूँ। इसे झुंड से निकाल दिया जाए, आखिर ये भी एक इंसान है। क्या? ये झूठ है। मैंने मोती से वादा किया था सितारा। मुझे मोती में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं बस इतना जानती हूँ कि हम में से कईयों की जान इंसानों की वजह से गई है। मेरी बात सुनो, मुझे आदमियों की ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन मोगली वैसा नहीं है जैसा कि मोगली इंसान है अकेला, और मैं उसके साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। अंबर, तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो, लेकिन हमारा साथ बस यहीं तक था। पिताजी मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं हमेशा के लिए आपके प्यार से वंचित रह जाऊंगी। रुक जाओ ना। लाला के सर से पिता का साया उठ गया, झुंड ने एक अच्छा सरपंच खो दिया, ये सब मेरे कारण हुआ है, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। देखो बेचारा मोगली कितना उदास लग रहा है बघीरा। उसे ऐसे ही रहने दो। क्या? हाँ, एक ना एक दिन तो मोगली को इस सच्चाई का सामना करना ही होगा कि वो एक मनुष्य है। अब वो समय आ गया है, उसे खुद ही निर्णय लेने दो। शायद तुम ठीक कह रहे हो, इस वक्त उसे कुछ कहना ठीक नहीं। अरे रुको तो सही। सभा का बुलावा।
साथियों, ये एक जरूरी सभा है। आप सब जानते हैं कि अंबर यहाँ से जा चुका है, इसलिए शिकार की जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पे लेता हूँ। हम पूर्व दिशा की ओर जाएंगे, वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है और शिकार भी भरपूर है। हम शिकार का वही तरीका अपनाएंगे जो पहले अपनाते थे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आधे भेड़िए शिकार का पीछा करेंगे और बाकी के तैयार रहेंगे। हमले का आदेश मैं दूंगा। मुझे नहीं लगता अकेला अब इस बुढ़ापे में शिकार करने के काबिल है। यूं ही बिना वजह हम सबको परेशान करेगा। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, सुबह का सूरज निकलते ही हम यहाँ से शिकार के लिए निकल पड़ेंगे। अकेला के साथ हम यूं ही धक्के खाकर वापस आ जाएंगे। अकेला अंबर के मुकाबले कुछ भी नहीं। अंबर सही मायने में दिलेर था, अगर वो वापस आ जाए तो कितना अच्छा होगा। अगर उसे पता चला कि हम उसे चाहते हैं तो वो जरूर आएगा। उसे कैसे मालूम पड़ेगा जब हम जानते ही नहीं कि वो कहाँ गया है। तो उसे ढूंढ सकते हैं। अब मुझे अंबर के बगैर शिकार करना अच्छा नहीं लगता। किसी ने तो उसे देखा होगा, हमें वो जरूर मिलेगा। हाँ, किस्मत हो तो सितारा जैसी हर वक्त ऐसे महान भेड़िए के आसपास रहती है। ओ अंबर, तुम हमें छोड़ के क्यों चले गए? मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है। इतना जान लो कि झुंड में कोई भी भेड़िया ऐसा नहीं जो ये कहता हो कि हमारा तुमसे कोई संबंध है। अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो पिताजी लौट आएंगे। तुम चले जाओ मोगली, तुम मनुष्य हो, जाकर मनुष्य के साथ रहो और हमें अकेला छोड़ दो। मैं तुम सब
सबको छोड़ के नहीं जा सकता। तुम झुंड के साथ रहो। होशियार रहो, आगे वाले हिरन पर नजर रखना। बाकी सब लोग कहाँ हैं? मेरे जैसी किस्मत हो तो शिकार आसानी से मिल जाता है, लेकिन बिना मेहनत के तो किस्मत भी साथ नहीं देती। ठीक कहा तुमने। ये बताओ कि अमर के बिना भेड़ियों का पहला शिकार कैसा रहा? वो खाली हाथ लौट आए। कोई भेड़िया अकेला की बात मानने को तैयार ही नहीं। सब मिलकर शिकार करे तो कुछ मिले भी। अकेला इस नाकामयाबी का शिकार खुद को मानता है, कहता है कि वो अब इस झुंड का नेतृत्व करने के लायक नहीं रहा। मैं समझ सकता हूँ वो क्या सोचता होगा। अगर कहीं उसने पद का त्याग कर दिया तो सरपंच कौन बनेगा? मैं भी यही सोचता हूँ। ये समस्या अंबर के आने के पहले भी हुई थी। अंबर ने यहाँ आकर शिकार का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया और झुंड की काया पलट दी। तो अब वो अंबर के बिना नहीं रह सकते। बिल्कुल ठीक। जब तक वो अंबर के साथ शिकार करते रहे उन्हें पेट भर खाना मिलता रहा, इसलिए उसे वो वापस लाना चाहते हैं। तो क्या अंबर के लिए वो मोगली को निकाल देंगे? विश्वास नहीं होता कि भेड़िए मोगली से इतनी नफरत करते हैं। सब तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मोगली के दिल को चोट पहुंचाई है। क्या कहा उन्होंने मोगली से? वो सोचता है कि बिना वजह वो अपने दोस्तों और चाहने वालों को दुख दे रहा है। झुंड के दुर्भाग्य का जिम्मेदार वो अपने आप को मानता है, जबकि इसमें बेचारे मोगली का कोई दोष नहीं। ये तो जाती है बघीरा, मोगली तो मनुष्यों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। फिर क्यों सब उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं? क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? तो फिर कुछ करो बघीरा। देखो तुम मोगली के गुरु हो बघीरा, तुम उसे अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हें हर हाल में मोगली की सहायता करनी होगी ताकि वो अपने आप को इन परेशानियों से हर हाल में बाहर निकाल सके। ऐसा ही होगा। तो ठीक है, आओ चलें। मोगली को ढूंढते हैं। मोगली को ये एहसास कराना बहुत जरूरी है कि वो जंगल का एक सम्मानित सदस्य है। उसे झुंड में रहने का पूरा अधिकार है, जैसा कि दूसरे भेड़ियों को है। मान गए बलू, कब किससे कैसे बात करनी चाहिए ये तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। चलो मोगली को ढूंढे। ये क्या, कहाँ भागे जा रहे हो? अकेला को बुलाने जा रहा हूँ। किस लिए? कुछ भेड़ियों ने मोगली को बुरा भला कहा तो अकड़ू और सारू ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। सुन लिया बलू?
झगड़ा बहुत बढ़ गया है, इसीलिए मैं अकेला को ढूंढ रहा था उन्हें छुड़ाने के लिए। पहले वहीं चले। में ही लड़ने लगे। आखिर बात क्या है? उन्होंने मोगली को बुरा भला कहा और कहने लगे कि वो झुंड में रहने के लायक नहीं है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, वो कहते हैं दुश्मन है। दुश्मन है? अपनी और सारू ने मोगली के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दी। काश ऐसे भाई सबको मिले। रुक जाओ अकड़ू सारू, मेरे कारण तुम्हें आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, रुक जाओ। ठहरो, बंद करो ये लड़ाई झगड़ा। जवाब दो, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? सारू, क्या हुआ मेरी बच्ची? सारू बहुत जख्मी है, उसे घर ले चलो। सारू, क्या तुम ठीक हो? ठीक है, तुम ठीक हो जाओगी। सारा दोष मेरा ही है, मुझे माफ कर दो। सारू, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। सारू मुझे माफ कर दो, अगर मुझे पता होता कि वहाँ ऐसा कुछ होगा तो मैं तुम्हारी मदद के लिए आता। नहीं पागल मत बनो मोगली, अच्छा हुआ जो तुम वहाँ पर नहीं थे। मैं ठीक कह रहा हूँ ना, है ना सारू? हाँ मोगली, अगर तुम वहाँ होते तो बात और बढ़ जाती। चुपचाप लेटी रहो सारू, आज के दिन के लिए काफी झगड़ा हो चुका है, बात बढ़ जाती तो पता नहीं क्या होता। जरा हाल देखो अपना। सारू, सारा दोष मेरा ही है, मुझे माफ कर दो। ऐसा मत कहो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मोगली तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, उनकी गलती थी, उन्हें ही लड़ने का ज्यादा शौक चढ़ा था, बिना वजह हमसे झगड़ा किया उन्होंने। अब बस बातें बंद करो और सारू को आराम से सोने दो, उसे एक अच्छी नींद की जरूरत है, फिर देखना कल सुबह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कहीं जा रहे हो मोगली? बहुत प्यास लगी है, बस अभी आया तुरंत। ये झगड़ा मेरे कारण हुआ, सारे फसाद की जड़ मैं हूँ। आज माँ भी कुछ नहीं बोली, क्या बात हो सकती है? हमेशा के लिए जंगल छोड़ दूंगा, मेरे कारण सब मुसीबत में फंस गए हैं, मुझे जंगल में रहने का कोई हक नहीं। लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? मुझे कोई जगह भी तो मालूम नहीं। Thank you.
मुझे मनुष्यों के साथ रहना पड़े? नहीं, मैं मनुष्य के साथ कभी नहीं रहूंगा, कभी नहीं। पर मैं जाऊंगा कहां? हंसी और खुशी छाई है चारों ओर, देखो आया मोगली आया, करे हंगामे और मचाए वो शोर, झूले वो कैसे मस्ती में अपने यार बलू को साथ लेके, ये नजारे उनको सिखाए जिंदगी ये कैसे चलती है। बगीरा भी मोगली का है दोस्त, फिर भी मोगली चलना संभाल के, शेर खान के जैसे दुश्मन रहते तो है हर दिशाओं में, सर उठा के चलो, हौसला तो रखो, ले मोगली।